एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल होम लॉजिका। आज हम आपके लिए न्यू सांगवी लोकेशन से एक नए प्रोजेक्ट का सैंपल फ्लैट का टूर लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले नए प्रोजेक्ट के अपडेट आपको इसी तरीके से मिलते रहे। नीचे आप जो फेसबुक और इंस्टा आईडी देख रहे हैं वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको फुल लेंथ एंड शॉर्ट लेंथ प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। इस लोकेशन को बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी मिल जाती है औंध, पिंपले सुधागर और रेस्ट ऑफ द पीसीएमसी जैसी लोकेशन से। साथ ही औंध रावेत बीआरटीएस रोड से भी ये ज्यादा दूर नहीं है। जरूरत की सारी चीजें जैसे कि स्कूल एंड कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, डेली ग्रोसरीज, ये सब आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मिलने वाली है। यहाँ पर आपको 2 and 3 BHK के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। 2 BHK का कारपेट एरिया है 800 square feet का, 3 BHK का कारपेट एरिया है 1040 square feet का। प्राइसिंग हम आपको वीडियो के एंड में रिवील करेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 3 BHK के सैंपल फ्लैट का टूर। अभी हम देख रहे हैं 3 BHK के सैंपल फ्लैट को, जिसका कारपेट एरिया है 1040 square feet का। एंट्रेंस पर हमें मिलता है वीडियो डोर फोन, साथ ही यहाँ पर आपको डिजिटल लॉक भी दिया जा रहा है जिसे आप मल्टीपल वेज से एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफी प्रीमियम फिनिश का एंट्रेंस डोर दिया गया है। डोर के एजेस मोल्डेड रहने वाले हैं, साथ ही यहाँ पर आपको रबर सीलिंग भी लगा के दिया जाएगा। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। सो अंदर आने के बाद में हमें मिलती है स्पेसियस एंट्रेंस लॉबी, जिसका साइज है 6.6 by 4.9 का। और इस एंट्रेंस लॉबी से आपको प्रिवेसी मिल जाती है डोर पर आए हुए किसी भी विजिटर से। यहाँ पर आप चाहें तो अपना शू रैक का भी प्रोविजन कर सकते हैं या फिर इसको कुछ इस तरीके से आर्टिफैक्ट से भी डेकोरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते ही हमारे राइट हैंड साइड पर हमें मिलता है हमारा गेस्ट बेडरूम। तो आ जाइए सबसे पहले अपने हम गेस्ट बेडरूम को देख लेते हैं। इस तरफ आता है हमारा स्पेशियस गेस्ट बेडरूम, जिसका साइज है 12.6 बाय 10.6 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक किंग साइज बेड और कॉर्नर टेबल लगाकर दिखाया गया है। उसके बाद भी यहाँ पर आपको इनफ स्पेस मिल जाता है टू रोम अराउंड। सामने की वॉल पर आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया जा रहा है। और इस तरफ आपको जो बालकनी दी गई है ये हमारी रनिंग बालकनी, जो कि हमारे लिविंग से भी कनेक्टेड है। इसको हम आगे कवर करने वाले हैं। इस तरफ आता है हमारा अटैच वॉशरूम। आ जाइए एक बार अपने हम वॉशरूम को देख लेते हैं। इस तरफ आता है हमारा अटैच वॉशरूम, जहां पर आपको एक वॉश बेसिन दिया गया है ग्रेनाइट काउंटर टॉप के साथ में। नीचे की तरफ आप चाहें तो अपना स्टोरेज रूम भी बना सकते हैं। इस तरफ आता है हमारा वॉल माउंट वाटर क्लोजेट, और यहां पर आपको बेदिंग का प्रोविजन करके दिया जा रहा है। यहां पर मिलने वाले सीपी और सैनिटरी वेयर हमारे जगुआर के रहने वाले हैं। वॉल पर आप ये जो टाइल्स देख रहे हैं ये भी काफी रिच एंड ग्लॉसी फिनिश वाले हैं, जो कि आपको सीलिंग हाइट तक मिलेंगे। साथ ही इस तरफ आप देख सकते हैं आपको डिजाइनर टाइल्स दिए गए हैं। फ्लोर पर मिलने वाले टाइल्स हमारे एंटी स्किड रहेंगे। और इस तरफ आपको जो विंडो दिया गया है इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और मिलने वाला है। साथ ही यहां पर भी आपको एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन करके दिया जाएगा। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। हमारे गेस्ट बेडरूम से आगे बढ़ते ही हमें मिलता है हमारा स्पेशियस लिविंग कम डाइनिंग एरिया। अगर अपने हम लिविंग एरिया की बात करें तो इसका साइज है 16.3 by 11 और डाइनिंग एरिया का साइज है 8 by 3.9। अगर अपने हम लिविंग और डाइनिंग एरिया के लेआउट को देखें तो ये हमें एल शेप में मिल रहा है, जिससे हम दोनों ही एरिया को बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं। अगर अपने हम लिविंग में सिटिंग के अरेंजमेंट को देखें तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से अपना एल शेप या सी शेप सोफा का प्रोविजन कर सकते हैं, अराउंड 4 to 6 seater का। बीच में आप चाहें तो कुछ इस तरीके से अपनी सेंटर टेबल लगा सकते हैं। और सामने की वॉल पर आपको इनफ स्पेस मिल जाता है अपना एक बड़ा सा LED यूनिट लगाने के लिए। इस तरफ आता है हमारा डेडिकेटेड डाइनिंग एरिया, जहां पर आप आराम से एक 4 seater डाइनिंग टेबल का प्रोविजन कर सकते हैं। इसी से अटैच हमें मिलती है बालकनी। आ जाइए एक बार अपनी हम बालकनी को देख लेते हैं। इस तरफ आती है हमारी ह्यूमंगस बालकनी, इसका साइज है 16.9 बाय 4.3 का। और ये बालकनी भी हमको 3 sides से कवर्ड ही मिलेगी, जिससे यहाँ पर भी आपको कंप्लीट प्रिवेसी मिल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो स्लाइडिंग डोर दिए गए हैं इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलने वाला है। साथ ही हमारे ये स्लाइडिंग डोर्स 2/3 तक ओपन होते हैं, और यहाँ पर मॉस्किटो को ध्यान में रखकर मेस भी दिया गया है। और इस तरफ जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, ये बालकनी हमारी हमारे गेस्ट बेडरूम से भी कनेक्टेड रहने वाली है। फ्लोर पर हमें जो टाइल्स दिए गए हैं वो वुडन लुक लाइक एंटी स्किड टाइल्स रहने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की मेटल फ्रेम की रेलिंग दी जा रही है, जिससे आप अपने बाहर के हाई राइज व्यू को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, और इससे आपको प्रॉपर वेंटिलेशन भी मिलेगा। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। हमारे लिविंग और डाइनिंग से लगा हुआ ही हमें मिलता है हमारा ओपन किचन, जिसका साइज है 11 by 8.3 का। और यहाँ पर आपको एल शेप का ग्रेनाइट काउंटर टॉप दिया गया है। अगर यहाँ पर अपने हम अरेंजमेंट्स को देखें तो इस तरफ आपको इनफ स्पेस मिल जाता है अपने एक बड़े से रेफ्रिजरेटर यूनिट को लगाने के लिए। इस तरफ आता है हमारा सर्विस प्लेटफॉर्म, और हमारे किचन अप्लायंसेस को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको इनफ पावर पॉइंट भी दिए गए हैं। इस तरफ आता है हमारा गैस स्टोव, और यहाँ पर आपको जो विंडो दिया गया है इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर भी आपको एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन करके दिया गया है। इस तरफ आता है हमारा
सिंक जिसको कि आप कुकिंग के पर्पज से यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको वाटर प्यूरीफायर का भी प्रोविजन करके दिया जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हमारा ड्राई एरिया सेपरेट रहने वाला है। तो आ जाइए अपने एक बार हम ड्राई एरिया को देख लेते हैं। सो इस तरफ आता है हमारा ड्राई एरिया जिसका साइज है 8.3 by 3.3 का, और ये भी हमको थ्री साइड से कवर्ड ही रहेगा। सामने की तरफ से ही ओपन रहने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक एडिशनल सिंक दिया गया है डिश वॉशिंग के पर्पज से, साथ ही यहाँ पर आपको एक स्लैब भी दिया जा रहा है। नीचे की तरफ आप चाहें तो अपना स्टोरेज रूम भी बना सकते हैं। सामने की तरफ आपको वॉशिंग मशीन का प्रोविजन करके दिया जा रहा है इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट के साथ में। आप चाहें तो यहाँ पर ऊपर कपड़े सुखाने के लिए अपना ड्रायर सिस्टम भी लगा सकते हैं। फ्लोर पर हमें जो टाइल्स दिए जाएंगे वो एंटी स्किड रहेंगे। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। So, हमारे लिविंग और डाइनिंग से आगे बढ़ते ही आ जाता है हमारा कॉमन एरिया। मेरे राइट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम। हमारे अर्लियर वॉशरूम के जैसे ही यहाँ पर भी आपको सिमिलर फिक्स्चर्स एंड फिटिंग्स देखने को मिलेंगे। वॉल टाइल्स का कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट रहेगा, तो आप इसको देखते हुए हमारे किड्स बेडरूम की तरफ आ जाइए। तो इस तरफ आता है हमारा किड्स बेडरूम जिसका साइज है 10.9 बाय 10 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक बंक बेड और एक वार्डरोब यूनिट लगाकर दिखाया गया है। आप भी यहाँ पर चाहें तो अपना एक बेड और एक वार्डरोब यूनिट का प्रोविजन कर सकते हैं। किड्स बेडरूम के हिसाब से चाहें तो कुछ इस तरीके से अपना एक स्टडी टेबल का भी प्रोविजन कर सकते हैं। पीछे की तरफ आपको जो विंडो दिए गए हैं इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलने वाला है। साथ ही आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखकर ग्रिल्स भी इंस्टॉल करके दिए जाएंगे। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। इस तरफ आता है हमारा ह्यूमंगस मास्टर बेडरूम जिसका साइज है 13.3 बाय 11 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक किंग साइज बेड और कॉर्नर टेबल लगाकर दिखाया गया है। उसके बाद भी यहाँ पर आपको इनफ स्पेस मिल जाता है टू रोम अराउंड। यहाँ पर आप चाहें तो अपना एक वर्क स्टेशन प्लान कर सकते हैं, या फिर इसको आप एज अ ड्रेसिंग यूनिट के जैसे भी यूज कर सकते हैं। इस तरफ आपको वॉल में टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया जा रहा है, और यहाँ पर आपको एक लार्ज साइज की एडिशनल विंडो दी जा रही है जिससे आपको प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन मिलने वाला है। यहाँ पर आप चाहें तो कुछ इस तरीके से अपना एक बड़ा सा वार्डरोब यूनिट का भी प्रोविजन कर सकते हैं, और इसी से अटैच हमें मिलता है हमारा मास्टर वॉशरूम। हमारे अर्लियर वॉशरूम के जैसे ही यहाँ पर भी आपको सिमिलर फिक्स्चर्स एंड फिटिंग्स देखने को मिलेंगे। तो आप इसको देखते हुए हमारी पर्सनल बालकनी की तरफ आ जाइए। इस तरफ आती है हमारी पर्सनल बालकनी। इसका साइज है 11 बाय 3 का, और ये बालकनी भी हमको ऊपर से कवर्ड ही मिलने वाला है जिससे यहाँ पर भी आपको कंप्लीट प्रिवेसी मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो स्लाइडिंग डोर दिए गए हैं इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलने वाला है। साथ ही मॉस्किटो को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको मेस भी दिया जा रहा है। फ्लोर पर हमें जो टाइल्स दिए गए हैं वो वुडन लुक लाइक एंटी स्किड टाइल्स रहेंगे, और यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके की मेटल फ्रेम की रेलिंग मिलने वाली है जिससे आप अपने बाहर के हाई राइज व्यू को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। साथ ही यहाँ से भी आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा। अगर हम प्रोजेक्ट के डिटेल्स को देखें तो 6 एकड़ के लैंड पार्सल में 21 फ्लोर्स के 6 टावर्स डेवलप किए जाएंगे, और इसका पोजीशन है दिसंबर 2025 का। यहाँ पर आपको सारी प्रीमियम एंड लैविश एमिनिटीज देखने को मिलेंगी इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल। अगर हम प्राइसिंग को देखें तो 2 BHK की प्राइसिंग शुरू होती है 87 lakh ऑनवर्ड्स, वहीं 3 BHK की प्राइसिंग शुरू होती है 1.13 crore से, एंड द प्राइसेस आर वेरी मच नेगोशिएबल। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर साइट विजिट करना है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही हमारे द्वारा दी गई सर्विसेज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना ही यहाँ पर आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज अप्लीकेबल होगा। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।